हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होगा एकदम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता तो प्रॉब्लम आ जाती है। क्लास 9th और 10th में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन 11th और 12th में तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमेशा से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे, क्या क्या एक्सेप्शंस होती है, यानी आज के इस वीडियो में ना हम लोग अप टू 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लेते हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस है, कहाँ पे एक्सेप्शंस आएंगी वो भी मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन करूँगा। उसका रीज़न क्या है उस एक्सेप्शंस का, ना इलेक्ट्रॉन क्यों वहाँ पे भरी जाती है इस तरीके से, क्या अरेंजमेंट रहता है, तो वो सारा चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, हमको पता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं और आप वो एक्सेप्शंस को देखने ही आए हैं मेरे पास, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं सारे एक्सेप्शंस का डिस्कशन करूँगा कि कहाँ पे एक्सेप्शंस आ रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता है वो आज इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आज पूरी तरीके से आप वो सीख जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करे कैसे, कब SP, कब 2P, कब 3D, कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन को भरना है, वो सारा चीज़ आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको एक चीज़ याद करना ही पड़ेगा, वो क्या है वो देखिएगा। ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जिसके वजह से ना आप भरोगे इलेक्ट्रॉन। कैसे भरोगे, देखिए अब क्या करना है, इतना लिखने के बाद आप क्या करना कि राम जी का तीर ऐसे चलेगा, शैट, राम जी का तीर चलेगा या शैट, इस तरह से तीर चलाओगे। तो एक बात बताओ कि राम जी का पहला तीर तो 1s को लगेगा, ये इस तरह से, ठीक है, 1s को लगेगा। दूसरा तीर किसको लगेगा, 2s को लगेगा। तीसरा तीर 2p को, उसके बाद 3s को, उसके बाद 3p को और 4s को लगेगा, उसके बाद 3d को और 4p को लगेगा, उसके बाद 4d को लगेगा और उसके बाद 4f को लगेगा। चूंकि इसके आगे भी होता है, 5s भी होता है, लेकिन हम लोग अप टू 30 एलिमेंट का, हम लोग अप टू 30 एलिमेंट का, अभी हम लोग अप टू 30 एलिमेंट्स का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख रहे हैं। इसी के लिए हमारा जो ना काम यहीं तक बन जाएगा, तो उससे ज़्यादा हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पहले किसको तीर लगा है वही हमको यहाँ पे लिख लेना है। पहले किसको तीर लगा है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भराएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहले तीर 1s को लगा है तो आप ऐसे लिख लो, पहले तीर 1s को लगा है 1s लिख लो, फिर दूसरा तीर 2s को लगा है लिख लो 2s, फिर तीसरा तीर जो है 2p को लगा है पहले, उसके बाद 3s को लगा है, तो 2p उसके बाद 3s, उसके बाद लगा है 3p को तीर, उसके बाद किसको तीर लगा है, 4s को लगा है, और उसके बाद 3d को लगा है तीर, उसके बाद 4p को लगा है, तो 3d। चलिए, इतना ही तक हमारा 3d तक ही काम बन जाएगा, तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है हमको। अप टू 30 एलिमेंट का सिखा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अप टू 80 या 90 एलिमेंट का सिखाएंगे, उसके बाद पूरा हो जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेना है, पूरी तरह से सिखाऊंगा। अब वाउज प्रिंसिपल क्या होता है वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा अगले वीडियोस में। अभी मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके बाद वाउज प्रिंसिपल आता है, वो भी मैं डिस्कशन करूँगा एक वीडियो में। अब देखिए, यहाँ तक आप लिख लिए, तो अब ऐसा इतना तक आप लिख लिए ना 3D तक, उसके बाद आगे की ज़रूरत नहीं है हमको अभी फ़िलहाल में, क्योंकि हम लोग अप टू 30 एलिमेंट्स का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इसी के लिए हमको अभी उसका आवश्यकता है नहीं। अब एक बात आप लोग को ध्यान रखनी है
कि हमारा जो एस ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है ना, तो वो सब जो होता है वो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि जो क्लास टेंथ में आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 5 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बनाते होंगे तो कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस था ना, इस तरह से कुछ इस तरीके से होगा आपको। ये इधर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं, एस ब्लॉक के, और इस यहाँ इस बीच में यहाँ पर जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं। ये इधर जो है इधर 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 पी ब्लॉक के एलिमेंट, और इधर जो है ना इधर ये सबको एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो इतना बात आप लोग क्लास टेंथ में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े हो तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अब इसके हिसाब से अब हम लोग करेंगे, देखिएगा इसको मिटा लेते हैं। ये बताने का मेरा रीज़न क्या था अभी बता रहे हैं। हो मिट नहीं रहा है भाई ये, जल्दी से मॉइस्चर नहीं है इस पे इसी के लिए। अब देखिए तो इसका मतलब क्या, एस ब्लॉक होता है तो यानी एस ऑर्बिटल भी होगा, एस ऑर्बिटल सीधा आप जान लो, ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, फिर उसके बाद पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल और उसके बाद एफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन तक हम लोग भर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, एस जो ब्लॉक होता है यानी सॉरी एस जो ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कम से कम एक भी भरे। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं और कम से कम एक भर दो, दो भर दो, तीन भर दो, चार भर दो, पाँच भर दो, छः भर दो, छः तक भर सकते हो, लेकिन आप सात नहीं भर सकते, वह उसके क्षमता के बाहर है तो वह आप वो नहीं भर सकते, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, कम से कम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 तक भर सकते हो, 11 नहीं भर सकते। और वही एफ में 14 होता है यानी 14 तक आप भर सकते हो लेकिन 15 नहीं भर सकते, क्योंकि वह क्षमता के बाहर हो जाता है वो चीज़। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो जहाँ जहाँ पर S आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ पर आप S देख रहे हो वहाँ पे दो भर दो, यहाँ पे दो भर दिए, 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 ठीक है यहाँ पे भर दिए। चूँकि आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब मैंने YouTube पे आया था तो मेरा पहला वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ही था, आप देख सकते हो वीडियो में सबसे पहला जो वीडियो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही था, लेकिन क्या करोगे वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करना सिखाया था तो उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं थी और अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ पा रही थी, इसी के लिए आप लोग उतने अच्छे से नहीं समझ पाए होगे आई थिंक सो। इसी के लिए ये वीडियो में लेके आ गया हूँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी के लिए ये वीडियो में लेके आ गया हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे अब पी ऑर्बिटल, पी जो ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पी है 6 6, अब बच गया डी, डी में 10 होता है। अब ये जो पूरा को आप कंबाइन करोगे, ये इसको पूरा देखोगे तो ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसका है? ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी ये बाद में आपको पता चलेगा, अभी मैं करना सिखा ही रहा हूँ। चलिए इतना कुछ आप समझ गए हैं, तो अभी हम इसको मिटाते हैं और शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है। अब बस इतना याद लिखिए कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए कैसे खटाखट 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 हम लोग करेंगे। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको कहे तो कैसे करेंगे, 1s1, क्योंकि 1s1 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉन भरना कहेगा तो s जो ब्लॉक होता है, s जो ऑर्बिटल होता है वो इस तरह से होता है, इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फिर एटॉमिक नंबर 2 जो होता है वो हीलियम का होता है, इसमें कैसे भरेंगे भाई, 1s2 हो जाएगा, जो s ऑर्बिटल है इसमें इस तरह से और इसके ठीक पैरेलल हमको इलेक्ट्रॉन भरना होता है, भर दिए। एटॉमिक नंबर 3 जो होता है लिथियम का होता है, वो कैसे भरेंगे, लिथियम का देखिए 1s2 तो हो ही जाएगा, एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी तो होगा,
तीन इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है तो 1s2 कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन तो भर दिया, इसमें दो से ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि इसके क्षमता का बाहर चला जाएगा, तो कोई भी चीज़ क्षमता के बाहर चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें s ऑर्बिटल में दो ही भरना है, s 1s2 भर दिया, उसके बाद 2s खुल जाएगा, 2s s में, तो यहाँ 2s में भी हम भर सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में, s ऑर्बिटल में, लेकिन भरेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास अभी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1s1 ऐसे 2s1 ऐसे भर दिए। उसके में देखिए, इसमें दो इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख दीजिए 1s, यहाँ पे भी लिख दीजिए 1s, और ये लिख दीजिए 1s, और ये लिख दीजिए 2s, इस तरीके से आगे चलते जाइए, आगे चलते जाइए। चार नंबर होता है बेरिलियम का B, इसका कैसे करेंगे 1s2 और 2s2, ठीक है, वो इस तरीके से हो जाएगा। एस में दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और इसमें भी 2s में इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन पूरा भर चुका है, इधर 1s और इधर 2s, इस तरह से आगे करते जाइए, आराम से बनेगा, कैसे नहीं बनेगा जी। एटॉमिक नंबर 5 जो होता है बोरोन का होता है, किसका होता है, बोरोन का, तो बोरोन का B होता है सिंबल, तो ये कैसे हो जाएगा 1s2 2s2। अब देखिए इसमें अब नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें अब इलेक्ट्रॉन इसीलिए नहीं भराएगा क्योंकि इसका कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन रखने का इस s ऑर्बिटल का वो ख़त्म हो गया। अब खुलेगा 2p, 2s के बाद 2p, 2p1, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें दो इस तरह से, इसमें भी दो पैरेलल इसके, और P जो होता है, P में इलेक्ट्रॉन 6 भरा सकता है, तो इसमें 1, 2, 3 इसमें होंगे, ठीक है, समझ रहे। अब इसमें 3 है घर, तो इसमें इस तरीके से भर सकते हैं, इसमें 1 है इलेक्ट्रॉन, तो 1 इस तरह से भर दीजिए, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1s फिर 2s, ठीक है, और उसके बाद 2p, ठीक है, ये 2p है पूरा, ठीक है, जिसमें p में ये px py pz भी आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये इस तरह कैसे होता है, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, ये सब ऑर्बिटल है, ठीक है, ये सारा सब ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। अब देखिए छठा है बोरॉन के बाद आता है कार्बन, कार्बन का इस तरह से 1s2 2s2 2p2, इसमें भी इस तरह से भर दीजिए, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, और इसमें तो 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 1, 2 इस तरह से भरा जाएगा, ठीक है। तो ये 1s, ये 2s और ये 2p, बार बार आपको एक्स वाई जेड लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे साथ में है नाइट्रोजन, तो वह ऐसे कीजिए, आप भी कोशिश करते रहिए बनाने का, ठीक है। 1s2 2s2 2p 3 होता है, इसमें देखिए इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन, इसमें इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, और इसमें इस तरीके से होता है 3, तो इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, ठीक है। तो ये 1s था, ये 2s था, और ये 2p था, इस तरीके से भरा जाएगा, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इतना जल्दी लिखिए। अब एक बात और जानना चाहिए, नाइट्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HE, यानी HE बोले तो हीलियम तक हो गया इधर, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे 2s2 2p3, ये भी हमारा सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये कार्बन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, HE हीलियम यहाँ तक, और उसके बाद 2s2 और 2p2, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, दोनों सही है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, तो आप और ख़ुद से भी कोशिश करते रहिए कि सर के बनाने से पहले हम बना ले, वो बेस्ट होता है, ठीक है। इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। चलिए आई थिंक आप लिख लिए होंगे, तो हम इसको मिटाते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ 7 तक हो गया है, 8 होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कैसे होगा 1s2 2s2 2p, देखिए 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे, 2p4 हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, इस ऑर्बिटल में, और इसमें तो 3 यहाँ पे सब ऑर्बिटल होंगे, तो इसमें 1, 2, 3 और उसके बाद 4, ये क्योंकि px होता है, ये py और ये pz, और ये 1s, ये 2s, और ये क्या है पूरा, ये 2p, समझ में आ रहा होगा आपको।
नाइन नंबर में होता है नाइट्रोजन, इसको कैसे भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p5, इस तरह से, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, फ्लोरीन होगा, ओहो वेरी सॉरी, हो जाता है, फ्लोरीन होगा नाइन में, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, तो देखिए यहाँ पे 5, 2, 7, 2, 9 भर गया, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, एस में 2, इसमें भी 2s में 2, और इसमें सॉरी इतना छोटा में थोड़ी आएगा जी, इस तरीके से 1, 2, 3, इसमें 1, 2, 3, फिर 4 और ये 5, ठीक है, ये px हो गया, ये py हो गया, pz हो गया, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, आपका मन px yz लिखो या ना लिखो, ठीक है। आगे देखिए 10 होता है नियॉन का, इसका कैसे लिखे, 1s2, 2s2, 2p6, बात ख़त्म है इसका यहीं पे। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो इधर और इसमें 6 होगा, तो ये 3 को सब ऑर्बिटल होगा, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, तो इतना बात आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। खुद से कोशिश कीजिए कि कर ले, क्योंकि हमने आपको 10 तक बताया है, अब 10 से लेकर 20 तक खुद से करने की कोशिश कीजिए, तब आपको बेहतर से समझ में आएगा, हम तो बता ही देंगे सारा ना, आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, तो इतना नोट कर लीजिए। तो इधर वाला हम मिटा रहे हैं, देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आसानी से हो रहा है यहाँ पे हम लोगों का। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, 11 होता है सोडियम, और सोडियम को कैसे करेंगे भाई, 1s2, 2s2, 2p6, देखिए यहाँ तक क्या हो गया, 2p6 से मैं 7 तो कर नहीं सकते ना, इधर देखिए 6, 2, 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो 2p के बाद देखिए 3s खुल जाएगा, 3s में 1 डाल देंगे, क्योंकि 2p में डालेंगे नहीं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है तो नहीं भरेंगे उसमें। तो अब देखिए कैसे 1s, ये 1s में 2, 2s में भी 2, 2p में 3 सब ऑर्बिटल होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, और उसके बाद 3s हमारा इधर था, लीजिए 3s में इसमें इस तरह से 2 भर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। 12 नंबर में होता है मैग्नीशियम, इसको कैसे करेंगे भाई, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 3s2, सॉरी 2p6 के बाद 3s2 भर देंगे ना, देखिए इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का होता है, इस तरह से इसमें 2, इस तरह से भी 2, इस तरह से इसमें 3 होते हैं, 1, 2, 3, तो इसमें 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, और उसके बाद 3s खुल जाएगा, तो इसमें 2, ठीक है, तो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, 3s है, इस तरीके से हो जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इधर हम लिख देंगे, इधर जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी हो सकता है, नियॉन बोले तो यहाँ तक नियॉन हो जाएगा, और उसके बाद 3s2, ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर नियॉन तक का 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, 12, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 13 एल्युमिनियम का होता है, तो एल्युमिनियम को कीजिए आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अब यहाँ तक ख़त्म है, अब 3s2 के बाद 3p खुल जाएगा, 3p1 भर देंगे, इस तरीके से इसमें भरिए, इसमें 2, इसमें भी 2 भर जा जाएगा, फिर इसमें 6, 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, ये 6। अवाउज रूल जो होता है उनके हिसाब से, यानी अवाउज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले उस में भरा जाता है, उस ऑर्बिटल में भरा जाता है जिसका एनर्जी कम होता है, यानी जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरा जाता है, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाद में भराएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये देखिए जिसका एनर्जी कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरा रहा है। अब एक एक्सेप्शन आएगा, उसमें हम बात करेंगे एक चीज़ की, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से 2 और इस तरह से p में 3 होते हैं, तो 1, 2, 3,
सॉरी इतना है ही नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे एक ही भर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है और ये 3p1 है, 3p है डायरेक्ट मान लीजिए, ठीक है। इसमें ये px होता है सब ऑर्बिटल, ये py और pz, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर हम एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन यहाँ तक नियॉन और 3s2 और उसके बाद 3p1, ऐसे भी हम लोग एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो इधर हम मिटा के इधर कर रहे हैं। हो 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 ला 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 ला, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक एल्युमिनियम का हो गया है। 14 का क्या होता है, सिलिकन। सिलिकन का करते हैं भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, उसके बाद 3p2, इस तरीके से कर लेंगे। अब इस तरीके से भर लीजिए इलेक्ट्रॉन को, इसमें दो, इसमें भी दो, इसमें सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर s में इस तरह से दो, फिर p में तो तीन होता है तो इसमें भी है ही दो इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, इस तरीके से। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम चाहते तो सिलिकन को ऐसे भी लिख सकते थे हम, नियॉन, और नियॉन के बाद यहाँ तक जो है नियॉन आ जाएगा, उसके बाद 3s2, 3p2, यानी सिलिकन का हम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। सिलिकन का हो गया है, तो उसके बाद हम लोग अब लिखते हैं 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है। तो यहाँ तक नियॉन, उसके बाद 3s2, ठीक है, उसके बाद 3p3, ये हो गया किसका, फास्फोरस का। 16 सल्फर का होता है, नियॉन यहाँ तक हो गया, 10 तक नियॉन, फिर 3s2, 3p4, कितना हो गया, 16 हो गया, 4, 2, 6 और 10 हो गया। 17 होता है क्लोरीन का, इसमें ऐसे आप लिख सकते हो नियॉन यहाँ तक, 3s2 और 3p5, इस तरीके से लिख लो, 5, 2, 7, इधर 10, 10, 7, 17। 18 जो होता है वो अर्गन का होता है, वो कैसे लिखोगे आप, वो कैसे लिखोगे, तो अर्गन का लिखने के लिए आप कैसे करोगे, देखिए आप कर सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, उसके बाद 3p में 6 डाल दोगे, इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, बहुत आसान है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, तो और कोशिश कीजिए, देखिए जैसे ही हम एटॉमिक नंबर लेते हैं 15, 16, 17, कोशिश कीजिए आप खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, खुद से आप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा। हम कितना भी बताते रह जाए, कितना भी अच्छे से एक्सप्लेन क्यों ना कर दे, जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। इधर मिटा देते हैं, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरा जिक्र का जुबां पे सुवाज रखना। चलिए यानी 19 का आप देखते हैं, खुद से करने की कोशिश कीजिए 19 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए अर्गन ऐसे हम लिख सकते हैं, अर्गन यहाँ तक 18 हो गया और उसके बाद यहाँ तक 18 हो गया, यानी यहाँ तक 18, उसके बाद 4s खुल जाएगा, 4s1 में डाल दीजिए, बात ख़त्म है। फिर 20 क्या हो जाएगा, अर्गन 4s2 कर दीजिए, बात ख़त्म है, ठीक है। फिर 21 स्कैंडियम का आता है, ठीक है, 21 स्कैंडियम, 20 आता है कैल्शियम का, 21 आता है स्कैंडियम का, वो कैसे करेंगे, तो अर्गन लिख दीजिए यहाँ तक अर्गन, फिर क्या हो जाएगा 4s2 और उसके बाद 3d खुल जाएगा, 3d1, ठीक है, इस तरीके से। 22 क्या होता है, टाइटेनियम का होता है, अर्गन 18 तक अर्गन का, उसके बाद 4s2, इधर 20 हो गया, फिर 3d2, 20, 2, 22 हो गया। अब 23 का देख लेते हैं, 23 का होता है वेनेडियम, ये देखिए अर्गन तक तो 18 का हो जाएगा, उसके बाद 4s2 और 3d3, ये वेनेडियम का हो गया। 24 आ गया है क्रोमियम, अर्गन यहाँ 18 तक हो गया, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d4, समझ रहे हो, लेकिन ऐसा आप मानते थे, लेकिन ये तो
गलत है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। और यहीं पर आ गया हमारा पहला एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन यानी अपवाद आ गया, पहला अपवाद आ गया क्या। तो देखिए इसका हम बनाते हैं कॉर्बिटल, सॉरी इतना बड़ा थोड़ी हो जाएगा जी, छोटा छोटा होगा। यहाँ पे इस तरह से दो है और इसमें डी ऑर्बिटल है, तो इसमें एक डी ऑर्बिटल में पांच सब ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये 4s है और ये 3d है, इसमें दो भरा हुआ, इसमें चार है, एक दो तीन चार। ये माना जाता है कि ये देखिए ये जो है ना, ये अभी जो है ये फुलफिल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है फुलफिल्ड, फुलफिल और हाफ फिल्ड, ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। मैं अभी बता रहा हूँ फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड क्या होता है। कोई भी ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड है या हाफ फील्ड है, मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड है या हाफ फील्ड है तो वह ज़्यादा स्टेबल होती है। कोई भी ऑर्बिटल अगर ज़्यादा सॉरी कोई भी ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड है या हाफ फील्ड है, कोई भी ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड है यानी पूरा भरा हुआ है, और हाफ फील्ड बोले तो आधा भरा हुआ है, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। जैसे कोई भी ऑर्बिटल का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने का है, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा तो समझ जाइए वो हाफ फील्ड है। अगर कोई भी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी है और वो 10 का 10 भी भर दे तो वह फुल फील्ड होगी। तो उस कंडीशन में वो जो ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो देखिए ये एक दो तीन चार ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो कहने का मेरा मतलब है इधर चार इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो अभी तो ये ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, तो इसका मतलब यह है कि अभी ये अनस्टेबल है। अभी ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये मतलब ये जो है ना अभी 3D ये अनस्टेबल है। और एक और बात इसमें है कि अब बाउज बोले थे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, तो जिसका इनर्जी जिस ऑर्बिटल का इनर्जी कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरते हैं, तो यहाँ पर जो है ना 3D का जो इनर्जी होता है, 3D का इनर्जी ये कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 4s, इसी के लिए एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे जंप करवा के इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसका इनर्जी कम हो गया तो इसी के लिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें चला गया। क्योंकि वाउज के नियम के हिसाब से जिसका इनर्जी कम होता है जिस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पहले उसमें बढ़ते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चलाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चलाया तो ये अब तो हाफ फील्ड हो गया। देखिए ये डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, इसमें कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन भरने की, अब 5 भरा हुआ है तो बोले तो हाफ फील्ड है। तो ये जो हमारा हो गया ये ऑर्बिटल 3D ये अभी हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड होने की वजह से ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन तो इसका बदल जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक ऑर्गन तक 18, उसके बाद 4s में देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया यानी ये ख़त्म हो गया, तो 4s में 1 ही बचेगा और 3d 5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ गया है कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सेप्शन था, ठीक है, ये एक्सेप्शन था। तो ये बात एक्सेप्शन यानी क्वेश्चंस वगैरह जो फंसते हैं तो एक्सेप्शन से ही आते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। तो ये समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं, देखिएगा। ला 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 हो ये ठीक है। अब देखिए ये 24 है, 25 क्या होता है भाई, 25 होता है मैग्नीज, इसका कैसे करे, तो मैग्नीज है तो आप कर लो यहाँ तक ऑर्गन तक क्या हो जाएगा, 18 तक हो जाएगा। देखिए इस ऑर्गन जो होता है ना यहाँ तक 1s2 2s2 2p6 लिखा तो टाइम पास हो गया, डायरेक्ट आप ऑर्गन लिख दो, बात खत्म, 18 तक यहाँ समटा गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2 और 3d5, अब इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो, 5, 2, 7 और 18 जोड़ लो, हो गया यानी 18, 19, 20 और 5, 25 हो गया। 26 जो है वो आयरन का आता है, अर्गन यहाँ तक हो जाएगा 18 तक, उसके बाद 4s2 और 3d6 कर लो आप, बहुत इजी है। 27 जो होता है वो होता है कोबाल्ट का, क्या होता है कोबाल्ट,
यहाँ तक ऑर्गन 18 तक, उसके बाद 4S2, 3D, 7, बात ख़त्म, आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग। कोबाल्ट के बाद निकल आता है यहाँ तक ऑर्गन, उसके बाद 4S कर लो आप, और उसके बाद 3D8 कर लो, बड़ा इजी है। 29 जो है वो होता है कॉपर का, वो कर लो आप ऑर्गन 18 तक, 4S2 और 3D9 कर लो आप। लेकिन ये ससुरा गलत हो गया, ये कैसे, ये तो गलत हो गया भाई, दिस इज़ रॉन्ग। आप ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड अभी चलते आ रहा है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक एक्सेप्शन आ गया है। ये एक्सेप्शन है कैसे, देखिएगा। अब यहाँ 4S बना लो, यहाँ पे जो है ना 4S इस तरीके से, ये देखिए 4S में दो इलेक्ट्रॉन है, ये 4S है। उसके बाद डी और वाइटल यहाँ पे है, डी में 5 को सब और वाइटल होता है इस तरीके से। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये 3D है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि यहाँ पर जो 4S है और 3D है, 4S में तो पूरा भरा हुआ, ये फुल फील्ड है। अब यहाँ जो हम 4S लिए थे, तो ये देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे भी देता तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहता, ये हाफ फील्ड तो ऑलरेडी है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे भी देगा तो कोई प्रॉब्लम इसको है नहीं, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा फिर भी तो हाफ फील्ड रहेगा, पहले तो फुल फील्ड था, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद हाफ फील्ड तो रहेगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे जंप करा के यहाँ आ भी जाता है, तो इसके क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से ये हाफ फील्ड तो होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो देखिए ये क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। पहले जो 9 इलेक्ट्रॉन था इसमें, 9 तो ये हाफ फील्ड था, 9 ही फुल फील्ड था। अभी हम जस्ट बताएं कि कोई भी जो ऑर्बिटल रहता है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होना चाहता है, दोनों में से कोई अगर हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है, हाफ फील्ड होना चाहता है नहीं तो फुल फील्ड होना चाहता है। अब आप कहोगे सर ये आप किस बेसिस पे बता रहे हो, तो बाबू इसका कोई प्रूफ है नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड है, यानी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके बाद इसका पता चलता है, तो इसका कोई सटीक रीज़न होता नहीं है आखिरकार में कि ये एकदम साइंटिफिक रीज़न है, एकदम स्पेसिफिक ये रीज़न है, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कंडक्ट होते हैं, उसके बाद इसमें देखा जाता है ओ इसका एनर्जी ज़्यादा है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो ये एक्सपेरिमेंटली है, इसका कोई सटीक रीज़न नहीं है। तो आप ऐसा मतलब कह नहीं देना कमेंट में कि ऐसा सर कोई इसका रीज़न बताइए, स्पेसिफिक रीज़न कुछ नहीं होता, तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ये सब चीज़, ठीक है, साइंटिस्ट लोग पता करते हैं। तो इसका अब ये हो गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जम के चला आया, तो अब ये हाफ फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हाफ फील्ड हो गया, ये तो फुल फील्ड हो गया, तो बात ख़त्म हो गया। अब ये स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन तो बदल जाएगा भाई, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा ऑर्गन यहाँ 18 तक, 4S 1 और 3D10, हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया, 29 तक हम लोग कर लिए, अब एक और बच गया है करने का, और एक और करने का बच गया है तो वो देख लीजिए, ये जो है ना 30, ये देखिए 30 का ये है, यानी 30 बोले तो ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ये लिखा हुआ है, नहीं यकीन हो रहा है, देखिए 10 2 12 6 18 2 20 6 26 27 28 29 30, यानी 30 गो है, फिर भी हम करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इतना आप लिख लिए हैं तो इसको मिटा लेते हैं भाई, तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे मौसमी ना समझो, देखिए 30 है वो जिंक का होता है भाई, उसी तरह से आप कर लो आप ऑर्गन 18 तक हो गया, उसके बाद ऑर्गन देखिए ऑर्गन यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद 4S2 कर लो आप और 3D10 कर लो, बात ख़त्म हो गया, यही है जिंक का कॉन्फ़िगरेशन। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से सारा चीज़ समझ में आएगा। अच्छा इसको ऐसे भी कर लेते हैं आप, ये देखिए 4S है तो 4S में दो इस तरह से, और 3D में सब ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, तो इधर 1 2 3 4 5, अब वाउज ने कहा था इसके ठीक पैरेलल,
अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन को भरना है, अपोजिट स्पिन में, तो अपोजिट इधर है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये 4s है और ये 3d है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। आज हम अप टू 30 एलिमेंट का सीखा है, नेक्स्ट वीडियो अगर जो आएगा तो उसमें हम पूरा जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।